नमस्कार, सत श्री अकाल आदा। मैं हूँ कामना और ये है एक्टर फरीद सिंह। ये लखनऊ से हैं, मेरे टीचर हैं, मुझे उर्दू सिखाते हैं। सो अभी हमारी यहाँ पर उर्दू क्लासेस चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे, जिनमें हम किस तरह से उर्दू जो डिक्शन है, तलफ्फुज है, उस पर हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, ये मुझे सिखाते हैं। मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन मैं सीख रही हूँ और अभी थोड़ी थोड़ी बोल लेती हूँ। तलफ्फुज, राइट? तलफ्फुज, यस। सो चलिए, अभी मेरे सर फरीद जी मुझे देंगे, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और आप लोग भी सुनिए कैसे पढ़ती हूँ। ये अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में काफ़ी काम किया है, वो का पे, खा पे, गा पे, अगर बिंदी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खा जो है खा हो जाएगा, गा जो है गा हो जाएगा, है वो सब है। तो आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्डों पे काम करने जा रहे हैं जो बार बार मुंह से निकलेंगे और एक ही वर्ड कह के बार मुंह से निकलेगा, ताकि वो आपको बोलने में जैसे फंस रहा है तो वो इजी हो जाए, बंद हो जाए और इजी हो जाए, चलने लगे, हाँ, ज़बान पे आ जाए और आपकी ज़बान खुले। हाँ। तो इसी तरह के कुछ आज रीडिंग करेंगे कामना जी, जिसे कहते हैं इंग्लिश। तो उसमें कई बार ऐसे जो बार बार आपको सुनाई देंगे और आपको अच्छा लगेगा सुनने में, अजब टिपिकल टाइप की एक स्टोरी है इसके अंदर, है ना। तो यह पढ़ के सुनाइए, देखिए। मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। भले लोगो, भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। छोड़ो तोड़ो मोड़ो छोड़ो भागो हटो गाओ गाओ यारो गाओ, देखो देखो एहसान फरामोश, षड्यंत्रकारी सांप की तरह फुक्कार फुक्कार कर कर्तव्य से विमुख हो गया। फिर थपक थपक कर रोने लगे, आकर जाओ जाकर आओ 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 जाओ 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 जाओ, उनसे उनसे उनका हाथ छुड़ाओ। अरे रेनू के नाक का कुतरा हुआ हिस्सा, कुत्ता बिगाड़ बिगाड़ करके भौं भौं करके बकवास करते करते भर्रा भर्रा कर गुर्राता हुआ सूंघने लगा। कुत्ते की टांग में टूटा हुआ कांटा कट कर कुरेदता गया, कुत्ता कहराते कहराते छिटक करके छिटपटाने लगा। उधर सर्राफा के छाते में पड़े खाते को तोते ने खाते खाते खराब कर दिया। दिल धड़क करके भड़क करके झमक करके चटक करके हतक करके फटक करके पटक करके सरक करके सरक करके निगल करके बिगल करके गल करके रामचंद्र के कारखाने में दुबक करके ससक गाया। तो अभी मैं इसे बहुत स्लो पढ़ रही थी, हम इसे और भी फास्ट कर सकते हैं अगर इसे, अब इसे एक और भी तरीका है इसे पढ़ने का। हाँ, भले लोगों, भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। छोड़ो तोड़ो मोड़ो छोड़ो भागो हटो गाओ गाओ यारो गाओ, देखो देखो एहसान फरामोश, षड्यंत्रकारी सांप की तरह पुपकार पुपकार कर कर्तव्य से विमुख हो गए। फिर फपक फपक कर रोने लगे, आकर जाओ जाकर आओ 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 जाओ जाओ, उनसे उनका हाथ छुड़ाओ। अरे रेनू के नाक का कुतरा हुआ हिस्सा, कुत्ता बिगाड़ बिगाड़ कर भाव भाव करके बकवास करते करते भर्रा भर्रा कर गुर्राता हुआ सूंघने लगा। कुत्ते की टांग में टूटा हुआ कांटा कट कर कुरेदता गया, कुत्ता कराते कराते छिटक कर कुत्ता कराते कराते कुत्ता कराते कराते छिटक कर पटक कर कुत्ता कराते कराते छिटक कर पटाने लगा। कुत्ता कराते कराते छिटक कर छटपटाने लगा। अब मैं किस तरह से फंस रही हूँ वो, तो इस तरह से हम फिर से जब हम कहीं पे फंसते हैं तो उसको फिर से रिपीट करते, फिर से हमें वहीं से स्टार्टिंग से रिपीट कर देना चाहिए। भले लोगों, भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। फिर अटक गई। भले लोगो भालू को, भले लोगे भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। छोड़ो तोड़ो मोड़ो छोड़ो भागो हटो गाओ गाओ यारो गाओ, देखो देखो एहसान फरामोश, षड्यंत्रकारी षड्यंत्रकारी षड्यंत्र। भले लोगो, भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। छोड़ो तोड़ो मोड़ो छोड़ो भागो हटो गाओ गाओ यारो गाओ, देखो देखो एहसान फरामोश, षड्यंत्रकारी सांप की तरह। फिर मैं अटकी ना, वो सांप भी सा भी आ रहा है, शा भी आ रहा है और
अच्छा भी आ रहा है, भले लोगो भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भालू को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। भले लोगो भालू को आलू लाल लाल खिलाओ, भालू के भाले को कालू ने काला किया, वरना वो तो लाला का आला भालू था। छोड़ो छोड़ो तोड़ो मोड़ो छोड़ो भागो हटो गाओ गाओ यारो गाओ, देखो देखो एहसान फरामोश षड्यंत्रकारी सांप की तरह फुपकार फुपकार कर कर्तव्य से विमुख हो गया। फिर फपक फपक कर रोने लगा, आकर जाओ जाकर आओ 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 जाओ जाओ आओ आओ उनसे उनका हाथ छुड़ाओ। अरे रेनु के नाक का कुतरा हुआ हिस्सा, कुत्ता बिगाड़ बिगाड़ कर भौं भौं करके बकवास करते करते भर्रा भर्रा कर गुर्राता हुआ सूंघने लगा। कुत्ते की टांग में टूटा हुआ कांटा कट कर कुरेदता गया, कुत्ता कहराते कहराते छिड़क कर छटपटाने लगा। उधर सर्राफ के छाते में पड़े खाते को तोते ने खाते खाते खराब कर दिया। दिल धड़क करके भड़क करके झमक करके चटक करके हतक करके पटक करके फटक करके सटक करके सरक करके निगल करके पिघल करके गलक करके रामचंद्र के कारखाने में दुबक करके खिसक गया। सिखक गया ताकि वो चीज निकल जाए मुंह से और आगे दोबारा ना फंसे। हाँ, इस तरह से हमारे जो वर्ड है वो फ्लो आता है, पढ़ने का फ्लो आता है। कहीं भी आप कुछ अगर जबान फंस जाए कहीं पे फंस जाए तो आप फिर से उसको पीछे से लीजिए ताकि वो सही हो जाए, तो दिमाग में चढ़ जाती है, फिर दोबारा वो गलती नहीं होती। एंड सबसे प्रॉब्लम भी यही होती है जब हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं और हमारी जबान जो है वो साफ नहीं होती है, जबान साफ नहीं होती, तो अगर हमें स्क्रिप्ट भी हमारे पास है ना और वो स्क्रिप्ट मिली हमने पढ़ भी लिया उस टाइम पे, हमने याद तो कर लिया उस टाइम पे, हमें हमारे माइंड में बैठा लिया कि ये शाह है ये भा है ये ला है ओके, बट चूँकि वो हमारी जबान में बैठे नहीं होती वो शब्द, जैसे हम बोलने की कोशिश करते हैं जैसे हम बोलने लगते हैं और वो शब्द ही हमारे गलत निकल जाते हैं, और जहाँ शब्द गलत निकलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है और दूसरी चीजें सामने वाले को इम्प्रेशन भी गलत पड़ता है कि बड़े लोगों को लगता है अच्छे एक्टर होने के बाद भी पता चला हमने गलत बोला तो आदमी कहता है यार क्या इसको तो जरूरत वाला है जिंदगी वाला है इसको क्या इसको कैसे कास्ट करना, तो वो चीज़ें होती है। तो आपका तलफ्फुज आपके अल्फाज बिल्कुल सही निकलना चाहिए, जो उच्चारण है वो सही निकले तो वो और अच्छा हो जाता है, सोने सुहागा जिसको बोलते हैं। तो एक्टर तो खैर ही है ही है अपनी एक्टिंग से भी कमाल करता है, लेकिन जो डायलॉग बोलता है कुछ है तो उसका भी एक इम्प्रेशन होता है। कहते हैं ना कि एक एक्टर की जो जबान है उसके जो शब्द निकलते हैं उसके जो वर्ड निकलते हैं वो छने हुए निकलने चाहिए। कामना जी एमपी की हैं, इनकी उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनको एकदम शौक चला और ये उर्दू टीचर है तो इनको भी ये फिक्र हुई कि मेरे जो भी वर्ड है हाँ वो सही निकलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने जो है तो सीखने के कोई उम्र सीख रहे कर रही है सब कुछ है और काफ़ी इम्प्रूव किया इन्होंने और काफ़ी अच्छी अब जबान इनकी हो गई, अच्छा बोलने लगी है, सब करने लगी है, क्योंकि उनके स्पीड में रहना है तो अपने को वर्क करना ही करना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये करते अपने वीडियोस बनाते हैं, मेरे चैनल का नाम है बॉलीवुड चुंगी स्टार और आपको इस तरह से ये यूट्यूब पर मिलते रहेंगे हमारे जो क्लासेस की वीडियोज हैं, और किस तरह से आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बता रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ये दसवां एपिसोड है ना, तो हाँ ये दसवां एपिसोड है और इसमें खासियत ये है कि आपको बेसिक सीखने को मिलेगा, आप कैसे शुरुआत करें, हिंदी उर्दू तो छोड़ दीजिए, हमने बहुत सारी कई एपिसोड्स में हमने अभी जो मैं वर्क कर रही थी अभी जो मैं रीडिंग कर रही थी ये भी हिंदी है, सो हिंदी के वर्ड भी फंसते हैं, तो हमें पढ़ना भी कैसे चाहिए, तो इस तरह से करने से जो हमारा डिक्शन है वो सही होता है, हमारे जो शब्द हैं वो सही होते हैं, तो हिंदी और उर्दू दोनों आ गया, डिक्शन वही डिक्शन है। तो आप लोग तो हमारे फरीद जी हैं, तो हम जो उर्दू पढ़ते हैं जब हम उर्दू के बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो ये मुझे बताते हैं इसकी मीनिंग क्या है। आप अकेले में कुछ भी पढ़ते हैं आपको पता नहीं चलता आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, अगर कोई नॉलेज रखता हो उस लैंग्वेज को समझता हो अगर उसके सामने आप पढ़ेंगे तो वो आपकी गलती पर टोकेगा और आपकी वो चीज़ को सही करेगा, तो आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ यार हमने आप गलत बोला तो इन्होंने सही करा दिया, तो आगे आपको ध्यान रहेगा,
और जब कोई ऐसा बताने वाला नहीं होगा तो आपको खुद भी नहीं पता कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, रीडिंग तो हम अपने और सामने बैठ कर पढ़ते हैं। मैं पर्सनल भी क्लासेस देता हूँ, और जो अगर जो भी लोग एक्टिंग लाइन में हैं या जो भी हैं या नहीं है, अगर वो उर्दू सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर वो लिखना भी चाहते हैं, मतलब लिखना पढ़ना चाहते हो, तो हम वो भी उनको बता सकते हैं। और या खाली वो लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो, कोई बात नहीं, पढ़ना नहीं लिखना आता सीखना उनको, खाली स्पीच में, खाली डायलॉग डिलीवरी जो उनकी है उसको सुधारना है, या जो वर्ड फंसते हैं उनको सही करना है, तो हम पर्सनल भी मतलब उनके क्लासेस ले सकते हैं, और करते ही हूँ मैं। शूट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फ्री हो तो मैं पर्सनल क्लासेस लेता हूँ, और जो भी लेना चाहे अंधेरी के आसपास कहीं पे भी रहता है तो ले सकते हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलता ही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछना है पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, और जो भी आप अपनी राय देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कि हमें और भी क्या करना चाहिए। इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से ऑनलाइन उर्दू डिक्शन सीखिए, जिसमें आपको कोई बाहर क्लासेस बाहर टाइम नहीं देना एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपको अच्छा टीचर चाहिए तो ये है, अगर इधर है आपके मुंबई में तो ये अवेलेबल है। अब मेरे फोन फोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर तो इसमें आता ही है, हर बार मैं बताता भी रहता हूँ, अभी क्या बार बार बताऊँ, आपका नंबर दिखेगा इसमें। सो देखते रहिए हमारे उर्दू क्लासेस, सीखते रहिए, अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे वीडियोस मिलते रहें। एक्टिंग से रिलेटेड हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, जो छोटी छोटी बारीकी होती हैं, किस तरह से एक एक्टर को अपने आप को रेडी करना चाहिए, वो हमारे सर हैं जो बताएंगे, बताते रहेंगे, हम लोग इसी तरह से वर्क करते रहेंगे आगे। ठीक है, बाय।